हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं करवा चौथ के लिए मेकअप लुक आप लोग के लिए बताने वाली हूँ। ये ब्राइडल लुक भी है, तो आप लोग ब्राइडल पे भी इस तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ, इस तरीके से आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले मैं आप लोग को दो चीज़ें दिखा दूँ जो कि मैंने अभी मंगाई थी। ये मेट लिपस्टिक है, ये सिस ब्यूटी का मेट लिपस्टिक है, आई थिंक आपको दिख रहा हो यहाँ पे, सिस ब्यूटी का है। बहुत ही अच्छा कलर है, ब्राइडल पे अक्सर आपको, ब्राइडल किसी भी कलर की हो, आपको लिपस्टिक उनको डार्क कलर का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि शादी वादी का फंक्शन अक्सर रात में ही होता है, तो डार्क कलर ज़्यादा सूट करेगा ब्राइडल के लुक पे। तो क्योंकि ब्राइडल का मेकअप भी बहुत हैवी होता है, तो उनपे थोड़ा सा डार्क मेकअप अच्छा लगता है। और ये मैंने हुडा ब्यूटी का प्राइमर मंगाया था, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। आप इसको जिसके भी स्किन पे ओपन पोर्स होते हैं तो उसको ब्लेंड कर देता है। और मेकअप करने से पहले आपको प्राइमर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, आपको CTM करना होता है चेहरे का। CTM क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो पूरा डिटेल में बना रखी है, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। तो मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, टोनर अप्लाई कर लिया है एंड मॉइस्चराइजर मैं अभी अप्लाई करूंगी। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा प्राइमर का। ओके, तो चलिए मैं मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ और फिर मेकअप आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो और बातें आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। ओके, और कुछ जानकारी हो तो मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, और सारी वीडियोज में मैं कुछ ना कुछ जानकारियाँ देते रहती हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैंने इसको मंगाया था फ्लिपकार्ट से, ये मुझे कितने का पड़ा था मुझे रेट प्राइस याद नहीं आ रहा, मैंने इसका रैपर वगैरह फेंक दिया है तो ठीक से याद था। आई थिंक 150 रुपये में मिला था मुझे ये। मॉइस्चराइजर मेरा ख़त्म हो चुका है, बट अभी के लिए चल जाएगा। सर्दियों का टाइम आ रहा है, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर रेगुलर तौर पर भी यूज कर सकते हो। आज हमारे गांव में आने वाला है निरहुआ, तो मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। और एक और है, एक बात बतानी है आप लोगों को, हमारे गांव में निरहुआ आने वाला है, तो हो सकेगा तो मेरे हस्बैंड जाएंगे तो उसके साथ वीडियो अगर सेल्फी ले पाए तो जरूर अपलोड करेंगे आप लोगों के साथ, और नहीं ले पाए तो सब मॉइस्चराइजर के बाद से प्राइमर जरूर लगाएंगे। मैंने लैक्मे 925 का प्राइमर लगाया था, वो वीडियो यहां पे अप्लाई करूंगी, आप जरूर अप्लाई कीजिए। प्राइमर से बिना मेकअप स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लेना है, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेनी है आपको फाउंडेशन। तो ज़्यादा सा फाउंडेशन मैंने लिया है, पूरे फेस पे ऐसे टैप टैप करके लगा देंगे। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद से मैं आई मेकअप स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आपको आई मेकअप पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका आपके स्किन पे अगर आई मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट गिरता है तो आप उसको फिर इजिली रिमूव कर पाओगे। अगर पूरा आपने कंसीलर वगैरह लगा लिया उसके बाद आप आई मेकअप करते हो तो आप उसको रिमूव करने में आपका मेकअप भी उतर जाएगा। बस फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर लिया हूँ, ब्लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे फेस के लिए, मतलब हमारे मेकअप के लिए। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद से मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए मैं आई शेडो पैलेट में से सबसे पहले अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। आई शेडो पैलेट में से मैं आईब्रो फिल करती हूँ तो मेरा आईब्रो का लुक बहुत अच्छा आता है, तो मैं इसलिए आई शेडो पैलेट में से ही अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। ओके, सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। आईब्रो फिल करने के लिए मैं इसमें से आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो ले रही हूँ। फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने अपने आईब्रो भी खुद से ही बनाई है, सेल्फ आईब्रो बनाई है, तो उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। आप देख सकते हो जैसे मैंने आई शेडो पैलेट में से अप्लाई किया है तो एकदम नेचुरल सा लुक आता है आपके आईब्रो का। और यही चीज़ अगर आप पेंसिल लगाते हो तो उससे अजीब सा दिखता है थोड़ा, तो आप भी इस टाइप का आई शेडो पैलेट में से आईब्रो को फिल कीजिए, या फिर आप जेल आईलाइनर आता है तो उससे कीजिए तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो ये मैंने पहला वाला अपना आईब्रो फिल कर लिया है, सेकेंड आईब्रो भी सेम इसी तरीके से आपको फिल करना है। तो आई शेडो पैलेट में से जब हम लोग अपना आईब्रो फिल करते हैं तो एकदम नेचुरल लुक आता है, कहीं भी जो गैपिंग होती है वो अपने आप ही ब्लेंड हो जाती है, क्योंकि ब्रश की मदद से हम लोग ये आई शेडो अप्लाई करते हैं। तो अभी सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप में आपको कोई भी डार्क कलर का
आई शेडो लेना है और अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई करना है। तो पहले मैं ये जो पहले आपको सबसे पहले आपको कंसीलर अप्लाई करना है। कंसीलर मैं यहाँ पे 7 सीज का ले भी बहुत ही मस्त कंसीलर है, मतलब बहुत ही अच्छा है, वाटरप्रूफ है। इसका मैंने पहले इसी वाले स्टिक से मैंने मेकअप करके अपने फेस को वॉश किया था, उसके बाद मेरा मेकअप पूरा 24 घंटे चला था, बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ था। तो ये मेरे शेड का है, आप अपनी शेड के अकॉर्डिंग अपना कंसीलर लीजिएगा। आप शेड कैसे चूज करोगे, जो आपका स्किन टोन होता है उससे एक शेड लाइट आप अपना कंसीलर यूज करोगे। ये 0.3 शेड है जो कि मेरे स्किन से एकदम मैच हो रहा है, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्टिक वाला लिया है, आप चाहो तो लिक्विड में भी आता है वो आप ले सकते हो। कंसीलर अप्लाई करके आपको मेकअप करना होता है, उससे क्या होता है, अगर आप कंसीलर अप्लाई करके मेकअप स्टार्ट करते हो तो आपका जो भी आई बेस होगा ना वो बहुत अच्छे से आएगा। मैं इसको अपनी फिंगर से ही ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप हाँ, कंसीलर अप्लाई ब्लेंड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना होता, बस ऐसे हल्का हल्का इस तरीके से आप दबाओगे तो आपका कंसीलर इजिली ब्लेंड हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे रब नहीं करना, जैसे आप क्रीम मॉइस्चराइजर लगाते हो वैसे नहीं करना है। तो ये मेरा ब्लेंड हो गया है, बस ऐसे ऐसे दबाओगे तो अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। ब्लेंडिंग पे खास ध्यान दीजिएगा, मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आपका मेकअप केकी दिखने लग जाएगा बाद में। तो ये मेरा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। आप ब्यूटी ब्लेंडर, स्पंज, ब्रश जिससे आपको आसानी हो उससे कर लेना। मैं दूसरों का मेकअप करती हूँ तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करती हूँ, और खुद का करना होता है मैं वो अपनी फिंगर से कंफर्टेबल रहती हूँ और अच्छे से मुझे हो जाता है, तो मैं इसलिए अपनी फिंगर से ही करती हूँ। इसको सेट करने के लिए मैं लैक्मे 925 का कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी। मैं इसको लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला कॉम्पैक्ट। बाकी आप मैक का, स्वीट ब्यूटी का, इन सब का भी ले सकते हो, इसका भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आई मेकअप अपना डार्क करूँगी क्योंकि मुझे करवा चौथ के लिए मेकअप लुक बताना है आप लोगों को, इसलिए। इसके बाद से मैं डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लूँगी और इसको अपनी क्रीच एरिया पे अप्लाई करूँगी। क्रीच एरिया मतलब जो आपकी आईज की हड्डी होती है उससे थोड़ा सा ऊपर। ओके, आईज बोन्स जो होती है ना उसके ऊपर आपको आउटर लाइन कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक, मतलब आउटर क्रीच लाइन से इनर क्रीच लाइन तक आपको अप्लाई करना है इसको। दोनों आईज पे सेम इसी तरीके से आपको करना है। इस तरीके से लगाने के बाद से आपको अपनी आईज पे कट बनानी होगी। कट बनाने के लिए आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हो अच्छी सी लाइन देते हुए। आप चाहो तो इसको ब्रश से भी लगा सकते हो, आप ब्रश से ही लगाइएगा क्योंकि मुझे तो मतलब आदत है तो मैं कर ले रही हूँ। अगर आप बैगनस हो तो आप ब्रश से यूज कीजिएगा, आपको ईजी होगा उससे। कंसीलर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम आई शेडो लगाएंगे तो ये अपने आईज पे जो हमने कंसीलर लगाई है उस पर अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और अच्छे से मतलब चिपक जाता है, इसलिए आप कंसीलर अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको कंसीलर अप्लाई कर लेना है। आपको आउटर कॉर्नर पे ब्लैक कलर का आई शेडो लगाना है। ब्लैक कलर का लगाने से आपको आपका आई मेकअप जो होता है वो बहुत अच्छे से आता है और बहुत अच्छा लुक आता है, इसलिए आउटर कॉर्नर पर अक्सर डार्क कलर ही अप्लाई कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप ब्लैक ही अप्लाई करोगे, आप डार्क ब्राउन, डार्क ब्लू अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक अप्लाई कर लिया है। सेंटर पार्टिंग में मैं रेड कलर का, मतलब जो हमने ड्रेस पहना है इस कलर का कलर अप्लाई करूँगी। जो भी आप ड्रेस पहनते हो उसी कलर का आप सेंटर पार्टिंग में अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो ये वाइन कलर है, वाइन कलर मैं अपने मिडिल पार्टिंग पर अप्लाई करूँगी कुछ इस तरीके से। ओके, एंड यहाँ पे आपको करना है गोल्डन कलर का
कंसीलर आपको, सॉरी गोल्डन कलर का आई शेडो अप्लाई करना है आपको। तो आपको गोल्डन कलर का मैं यहाँ पे आई शेडो लेके अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा ये, जो आपका आईब्रो का ये जो बचा हुआ हिस्सा है यहाँ पे आपको हाइलाइटर यूज करना होता है, और जो आपका लो वाटर लाइन है जो आपने क्रीज एरिया पे अप्लाई किया था कलर, सेम वही कलर या फिर जो आपने ड्रेस पहनी है उसके अकॉर्डिंग आप लो वाटर लाइन पे भी कलर अप्लाई करोगे। ओके, और फ्रंट पे आपने जो गोल्डन कलर का इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया था वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा, मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लिया है, ये भी बहुत अच्छा हाइलाइटर है, अपने स्किन से मैच होता हुआ आप हाइलाइटर लीजिए। और आप फिंगर से तो यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कम एरिया बचा होता है, तो आप ब्रश का यूज कीजिए, ब्रश ही बहुत सारी लीजिए, उससे क्या होगा कि आपका मेकअप खराब नहीं होगा, इधर कलर मैच नहीं होंगे। तो मैंने ये वाला ब्रश लिया है, और जो हमारा आईब्रो के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे आपको हाइलाइटर अप्लाई कर देना है, इससे आपके आईब्रो का लुक अच्छा आता है, आपका आई मेकअप भी बहुत अच्छे से उभर के आता है। ओके, अब आपको सिंपली आईलाइनर लगाना है, आईलाइनर लगाना है और लो वाटर लाइन पे भी आईलाइनर लगा लेना है। तो आपको इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर अप्लाई कर देना है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी आईज पे करना है। तो इस आईज पे आप देखिए मैंने कैसे कट बनाया है, इसी तरीके से आपको कट बनानी है। लास्ट पे आपको ब्लैक कलर का, बीच में मैरून कलर मतलब वाइन कलर, और स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको गोल्डन कलर का आई शेडो अप्लाई करना है। तो जस्ट इसी तरीके से मैं इस पर अप्लाई करके फिर दिखा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइनर लगाया है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरे आईज पे भी लगाना है। इस तरीके का लाइनर सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अलग से वीडियो आपको बता दूंगी इसकी। जैसे आपको डबल विंग बनानी होती है ना, तो आपको थोड़ा सा ये वाला जो ऊपर वाला आप विंग बनाते हो उसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाना है। और ब्राइडल लुक है तो आपको थोड़ा सा चौड़ा आईलाइनर लगाना है। लो वाटर लाइन पे भी आपको अप्लाई कर देना लाइनर। जो आपका आउटर कॉर्नर है यहाँ पे, उस पर आपको ये वाला विंग एकदम सटाना नहीं है, नीचे से लेके जाना है। ओके, उसके बाद से मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर दी हूँ। अगर आप हाउस वाइफ हो, करवा चौथ के लिए मेकअप कर रहे हो, तो आपको अगर आपके पास विंग आर्टिफिशियल आई लैसेज नहीं है तो आप बस मस्कारा लगा के भी छोड़ सकते हो, लेकिन आर्टिफिशियल आई लैस से आपके आई मेकअप का लुक बहुत अच्छा आता है, तो आई लैसेज लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इजिली आपको मार्केट में 50 रुपये में मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर ले लीजिएगा, अगर नहीं ले सकते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है, अभी मैं फेस का मेकअप स्टार्ट करूँगी। ओके, इसके बाद मैं फेस का, मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर ही लिया था, अभी फेस का मेकअप करने के लिए स्टिक वाला जो कंसीलर है उसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। बाद में फेस मेकअप करने का यही फ़ायदा है कि आपका जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट गिरा होगा वो आपका इजिली रिमूव हो जाएगा। पूरे फेस पे आपको कंसीलर मतलब अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डार्क पैचेस में तो अप्लाई करो, मैंने तो पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया है। वैसे पूरे मेरे फेस पे छोटी छोटी सी तिल है जिसकी वजह से मुझे ये अप्लाई करना पड़ता है कि पूरा हाइड हो जाए। अगर आपके पास फेस पे कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है तो आप नॉर्मली कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के अपना मेकअप फिनिश कर सकते हो,
बट जिसको थोड़ा सा भी डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम है उसको कंसीलर अप्लाई करना चाहिए। तो मैं अपने फेस पे भी इसको हाथों से ही ब्लेंड करूँगी। आप ध्यान से देखिए कि मैं ब्लेंड कैसे कर रही हूँ, मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दबा रही हूँ। ओके, आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो, फेस पे थोड़ा सा हाथों से ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर लेती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर को पहले पानी में अच्छे से भिगो लीजिए और उसका पानी एक्स्ट्रा पानी निकाल के और फिर आप मेकअप कीजिए तो बहुत अच्छे से मेकअप होगा आपका। तो ये मेरा ब्लेंड हो चुका है, अभी मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरा मैं कंसीलर को सेट कर लूँगी। ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर आपको नहीं अप्लाई करना है, बस इतना ही कि आपका ये जो मेकअप आपने किया है वो अच्छे पे ब्लेंड हो जाए। उसके बाद से मैं आपको कंट्रोल करने के लिए बता दूँ। कंट्रोलिंग के लिए ये मैंने 3D ब्लैम मार्श का ये कंट्रोल पैलेट लिया था, ये बहुत ही अच्छा है। इसका इसमें हाइलाइटर भी दिया हुआ है, स्टिक वाला हाइलाइटर, और यहाँ पे कंट्रोल है आपका। ओके, तो कंट्रोलिंग के लिए मुझे थोड़ा सा अपने नोज को पतला करना है, आपको यहाँ से इस तरीके से खींचना है। जिसका ये एरिया चौड़ा हो उसको इस पर भी अप्लाई करना चाहिए, बट मेरा उतना चौड़ा नहीं है। फेस के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करना है। ओके, अगर आपकी ये चीज़ ज़्यादा है तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, फोरहेड बहुत बड़ा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके बाद से मैं यहाँ हाइलाइटर भी साथ साथ में अप्लाई कर दे रही हूँ। आपको नोज पे यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करना है, आपका लिप्स पे करना है, थोड़ी पे करना है। ओके, देन ब्लेंड कर देना है। ब्लेंडिंग के लिए आप इसे इसको यूज कर सकते हो। ओके, इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जो आपने कंट्रोल किया था जस्ट उसके नीचे आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है और ऐसे अप्लाई करना है। अच्छा हो तो कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हो दोबारा से, ताकि आपका जो कट लगाया आपने वो अच्छे से दिखे। फिर से इसको ब्लेंड कर दीजिए। मैं पूरा ब्राइडल मेकअप ही बता रही हूँ, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करवा चौथ के लिए कर रहे हो तो सिंपली आप आई मेकअप कर लो और अपना नोज वगैरह थोड़ा बहुत पतला दिखा दो, उसके बाद से हो जाएगा आपका। लेकिन ब्राइडल्स को इतना ज़रूरी होता है। ओके, उसके बाद से ब्लश यूज करना है। ब्लश मैं यहाँ पे पिंक शेड का ले रही हूँ। जो आपका चिक बोन्स होता है उस पर आपको ब्लश अप्लाई करना होता है। ज़्यादा हो ब्लेंडिंग पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और आपके नोज पे थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कीजिए। देन आपको जहाँ पे आपने ब्लश किया था उसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करना है। आपका मेकअप ऑलमोस्ट डन है, अभी आपको लिपस्टिक लगा लेनी है। तो देखिए लिप्स को कैसे कट देना है।
यहाँ से आपको जैसे दिल का शेप होता है उस टाइप के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, इसको थोड़ा सा सूखने दीजिए, उसके बाद से आप पाउडर ले लीजिए जो आप मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर, और उसको लिप्स के आउट साइड में अप्लाई कर देना है, तो आपका जो भी कट्स खराब हुए हैं वो आपस से ठीक हो जाएंगे। ओके, जब आपका सूख जाए, आपका जो भी मतलब अच्छे से नहीं हो पाया है, तो आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर ब्रश पे ले लो, आउटर कॉर्नर पे इस तरीके से अप्लाई कर दो। लो वाटर लाइन पे थोड़ा सा वाइन कलर का आई शेडो लेके और इस तरीके से आप अप्लाई कर दो। हमारा मेकअप डन हो चुका है, अब मैं हेयर स्टाइल बताऊंगी आप लोगों को। और आपको फिक्सर अप्लाई करना है, फिक्सर कम से कम आपको इतना दूरी से अप्लाई करना है, एकदम पास से करोगे तो आपका मेकअप खराब हो सकता है। अगर आपको डाउट हो कि आपका आईलाइनर जो आपने लगाया है वो वाटरप्रूफ नहीं है, तो आपको आईज पे हाथ रखना है और इस तरीके से फिक्सर अप्लाई करना है। फिक्सर अप्लाई करने से क्या होता है कि आपका जो मेकअप आपने किया है अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है तो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छा लुक आ जाता है। ओके, हेयर स्टाइल की वीडियो मैंने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने यहाँ पे हेयर स्टाइल की वीडियो नहीं डाली। आप मेरा हेयर स्टाइल देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक है, मेरा फाइनल लुक था। इस तरीके से आप करवा चौथ पे अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हो और इस तरीके से आप रेडी हो सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक आ जाएगा। डबल विंग्स आई लाइनर लगाई, इस तरीके का ड्रेस पहना हुआ था मैंने, तो आप मेरा आई मेकअप देख लो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये मैंने पिक्स क्लिक की थी तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और मेरा मेकअप भी पसंद आया हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भी तरीके की वीडियो देखने के लिए। थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।